जो की हम आम भाषा में भी कहते हैं सर्च करना या ढूंढना अब जो हमारा बेसिक आज का टॉपिक है दैट इज लीनियर लीनियर सर्च लीनियर सर्च कहां, काम में आएगा और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम मान लीजिए मेरी एक मेमोरी है मेमोरी में मैंने कहीं पे डेटा स्टोर कर रखा है स्टोर डेटा स्टोर कर रखा है तो अब मुझसे ये कहा गया है कि आप उसमें से इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करिए उस डेटा में से अब डेटा कैन भी एन सेट ऑफ एरे एरे के फॉर्म में भी हो सकता है डेटा

आपको सीक्वेंस मैनर में सर्च करते हुए चलना है यानी कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करें फर्स्ट एलिमेंट पे अभी आप खड़े हैं तो अब आप सेकंड को कंपेयर करिए कि क्या आप जो एलिमेंट चाहते हैं क्या ये वो एलिमेंट है अगर नहीं है तो आगे स्टेप मूव करिए यानी वन बाय वन स्टेप मूव करते व करते हुए आपको ईच एलिमेंट के साथ में अपने डिजायर्ड एलिमेंट की कंपेरिजन करनी होगी ठीक है जैसे कि हम एग्जांपल दे रखा है सर्चिंग अ फोन नंबर ऑफ अ पर्सन स्मिथ इन टेलीफोन डायरेक्टरी कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर एक पर्सन है स्मिथ नाम से उनका नंबर आपको सर्च करना है तो देखिए डिक्शनरी के अंदर तो ए अल्फाबेट से स्टार्ट होगा ए से डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे एस पे लेट सपोज आप एस पे ही हैं एस आपका एक एरे है उस एरे के अंदर s में स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे अब आप देखिए s के बाद में नेक्स्ट हम नॉर्मल डिक्शनरी की बात कर रहे हैं टेलीफोन डिक्शनरी की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा s के बाद में क्या आएगा a आएगा तो आप s को तो आपने मैच कर लिया इसलिए तो आप s पे s वाले पेज पे हैं अभी अब नेक्स्ट आपने देखा कि s के बाद a आ रहा है लेकिन आपके डिजायर्ड uh, अल्फाबेट uh, क्या है m है तो a आ रहा है मैच नहीं कर रहा अब मूव ऑन हो गए फिर ए के बाद क्या आया बी आप फिर जैसे डायरेक्ट एम पे पहुंचते हैं एम के बाद आपको क्या चाहिए आई लेकिन आपको क्या मिलेगा डिक्शनरी है एस एम ओ एस एम ओ मिलेगा लेकिन आपको क्या चाहिए एस एम आई अगेन आप कंपेयर करा उस वहां तक चलेंगे आई तक पहुंचेंगे इस तरीके लास्ट जब आप एच तक आएंगे तब आपको फाइंड आउट होगा कि हाँ ये पूरा वर्ड प्रॉपर स्मिथ बन रहा है और अब मुझे इसमें से देखना है कि इसका टेलीफोन नंबर क्या है तो इस तरीके से आपने इसको हम कहेंगे sequentially search किया आपने, ठीक है? है? ये ये क्या कह रहा हमने भी ये कहा, आपको जब तक सर्चिंग करनी है matching करनी है, कंपेरिजन नहीं पहुंच जाते लीनियर सर्च रन इन ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन का मतलब ये है कि आपके एरे में अगर एन नंबर के एलिमेंट्स एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, है। लेटर सपोज हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो एलिमेंट मुझे चाहिए वो मेरे टेंथ पोजीशन पे है तो मुझे तो क्या करना पड़ा टेन एक्स कंपेरिजन करने पड़े कि नहीं करने पड़े क्योंकि मुझे लास्ट पोजीशन तक जाना है ठीक है और अगर एवरेज है ना अगर मेरे पास में वो जो एलिमेंट है वो बीच में कहीं हुआ तो उसमें मुझे एन बाई टू कंपेरिजन करना पड़ेगा ठीक है एक लाइन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है अब इसका और एलबोरेट मैं यहाँ से करती हूँ द बेस्ट केस इज दैट द वैल्यू इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट टेस्टेड आपने एरे को सर्च करना स्टार्ट किया और एरे का फर्स्ट एलिमेंट ही आपका डिजायर्ड एलिमेंट है ये तो बेस्ट केस हो गया आपको ज्यादा एफर्ट ही नहीं करना पड़ा क्लियर है सो दिस इज द मोस्ट डोरेबल केस की इससे ज्यादा तो बढ़िया हो ही नहीं सकता ना तो आपको कंपैरिजन करना पड़ा ना कंप्यूटेशन करना पड़ा ना कम्पलेक्सिटी बढ़ेगी सो दिस इज द द बेस्ट केस केस नेक्स्ट इज इज वर्स्ट दैट द वैल्यू इज नॉट इन द लिस्ट और इन द लास्ट आइटम इन द एरे जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर मेरे एरे में टेन एलिमेंट्स हैं और मेरा जो एलिमेंट है वो टेंथ पोजीशन पे है या फिर वो है ही नहीं देखिए पहले दफा ही एरे को देख के आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि यह एलिमेंट है कि नहीं है कंपेरिजन आपको करने पड़ेंगे ठीक है लीनियर सर्च में तो करने पड़ेंगे और फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक आपको कंपेरिजन करके ही आप ये रिजल्ट पर आएंगे कि ये एलिमेंट इस एरे में है कि नहीं इज इट क्लियर तो ये सबसे बड़ा वर्स्ट केस है जहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स तक का कंपेरिजन करना पड़ा है ठीक है

जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा है उसको नहीं पता कि भाई थर्ड पोजीशन पे ट्वेल्व है सो so, आपको उस तरीके से उसको अप्रोच करना पड़ेगा अप्रोच कैसे करेंगे कि जी आपको क्या करना है फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कीजिए तो आप थ्री पे जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है थ्री अब वो कम्पेरिजन uh, तो no, करेंगे मूव फॉरवर्ड आप वन स्टेप आगे गए स्टेप पे मिला थर्टी अगेन कंपेरिजन हुआ कि क्या थर्टी फोर है तो बोला नहीं है अगेन मूव करे अब आया ट्वेल्व अगेन आपके पास में जो एलिमेंट था वो क्या ट्वेल्व ट्वेल्व के साथ ही तो तो कंपेयर कर रहे हैं हम एग्जैक्टली मैच कर गया मैच करा तो आपने क्या कहा कहास दिस इज द एलिमेंट विच आई हैव टू फाइंड मुझे जो चीज ढूंढनी थी ये वही एलिमेंट है और यहाँ पे आपने देखा कि थर्ड पोजीशन पे एरे के थर्ड पोजीशन पे आपको आपका डिजायर्ड एलिमेंट मिल गया ठीक है तो ऑब्वियसली बनाते है आपको टाइम कम लगा क्योंकि पोजीशन कम थी पोजीशन आपकी बहुत नियर थी टू द स्टार्टिंग एलिमेंट सो दैट्स व्हाई यहां पे टाइम भी आपको कम लगा अब नेक्स्ट आप आ, सर्चिंग की अगर बात की जाए कि लीनियर सर्च के अलावा और क्या सर्चिंग आप कर सकते हैं क्योंकि लीनियर सर्च में हमने देखा कि आ, एक हाफ एरे तक तो काम चल जाता है हाफ एरे तक तो ठीक है आप अकोमोडेट एडजस्ट कर लेते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन आ, उन एलिमेंट्स के लिए जो सबसे लास्ट में आ रहे हैं तो उसके लिए अननेसेसरी आपको इतना ट्रैवर्सिंग इतना कंपैरिजन करना पड़ रहा है उससे बचने के लिए सिर्फ उसी से बचने के लिए आप एक नया एल्गोरिथम में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्चिंग अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज अ टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ सॉर्टेड लीनियर एरे

जैसे मैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाऊँ ये एरे था मेरा तो मैं कहूँ कि नहीं आप सॉर्टेड कर दीजिए इसको पहले सॉर्टेड एरे पे मैं काम करूँगी तो सॉर्टेड में ये एरे चेंज हो जाएगा पहले माइनस फिफ्टीन आएगा फिर माइनस ट्वेल्व आएगा फिर थ्री आएगा फिर ट्वेल्व आएगा सो ऑन ठीक है तो वो मैं कहना चाह रही हूँ तो इसमें क्या है कि आपको एरे को सॉर्टेड एरे लीनियर एरे पे काम करेगा और यहाँ पे क्या होगा ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर आप अपने आधा डेटा सुनिए हाफ आउट ऑफ हाफ ऑफ द डेटा ईच स्टेप में वो हट जाएगा तो आपको इतने सारे कंपेरिजन नहीं करने पड़ेंगे जितने कि आप लीनियर सर्च में कर रहे थे क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप पे क्या है आपके सारे डेटा आपका आधा डेटा हट रहा है

ठीक है एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन कर कि आप पूरे एरे को टू हाफ में डिवाइड करिए और फिर फाइंड आउट करिए टू हाफ में डिवाइड करिए फिर फाइंड आउट करिए तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन कर आप अपनी प्रॉब्लम को तोड़ो और उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग करनी है करिए और अपना जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो निकाल लीजिए दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड एल्गोरिथम ये एल्गोरिथम है uh, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको जो चीज बताना चाहूंगी वो डायरेक्ट एग्जाम्पल है तो एक बार एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे तो एल्गोरिथम आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं देखिए तो इस इस एग्जाम्पल में आप पे देख रहे हैं ये एक एरे है आपके पास में और इस एरे के अंदर आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं इस पूरे एलिमेंट में एरे में आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है तो मिडल टर्म कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड लोअर बाउंड ये उंड है लोअर बाउंड मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है इस एरे का लोअर बाउंड ये है ये पोजीशन है और अपर बाउंड ये वाली पोजीशन है एलिमेंट इस लोअर बाउंड की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो टू है और अपर बाउंड की पोजीशन पे एलिमेंट नाइनटी वन है ठीक है तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये आपकी एंडिंग पोजीशन है जिसको अपर बाउंड कहा गया है तो अब आपको क्या करना है, करने कर, आपका ये, कहता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ आपको पीछे हल्का मिल जाएगा सो डोंट बी पैनिक तो आपने क्या करा लोअर बाउंड ली लोअर बाउंड पोजिशन आपने मान लिया कि इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट हो रही है वन से कहां तक जा रही है टेन तक तो लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी हुई वन प्लस अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है टेन क्योंकि लास्ट एलिमेंट कौन सी पोजिशन पे है टेंथ पे तो टेन माइनस अगेन लोअर बाउंड वन तो टेन माइनस वन इज इक टू नाइन नाइन प्लस इज डिवाइडेड बाई टू इज कॉल्ड फाइव फिफ्थ पोजिशन पे आ जाइए थ्री फोर फिफ्थ ये रहा फिफ्थ फिफ्थ पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है 16. अब सर्च करना है आपको सर्चिंग जो एलिमेंट है वो ट्वेंटी थ्री है और आपको सर्च करना है 16 से 23 को पहली सर्चिंग आप आप देखिए अब यही देख लीजिए अगर ये यह यहाँ पे लीनियर सर्च कर रहे होते आप आप अगर यहाँ पे लीनियर सर्च कर रहे होते तो आप टू से कंपेयर करते ट्वेंटी थ्री को और कितने कंपेरिजन कर चुके होते सोलह तक जाने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कंपेरिजन कर रखे हो और यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट कंपेरिजन ही सोलह से हो रहा है तो आधा टाइम तो यहीं कम हो गया

ठीक है तो आपको ऑब्वियसली पता है अगर 16 आपका एलिमेंट नहीं है और आपका 23 ही है यानी 16 से राइट हैंड साइड में आपको आपका एलिमेंट मिलेगा तो आपको मूव कहाँ करना है इस सब पार्ट में इस सब एरे में इस वाले में आपको 23, 38, 56, 72, 91 वाले वाले सब एरे के अंदर अब आपको टारगेट करना है ठीक है अब टारगेट करना है तो अगेन एरे चेंज हो गया आपका हाफ में कन्वर्ट हो गया डेटा आप आधे बज गए अब ये आधे बज गए तो अगेन आपको फॉर मिडिल कैलकुलेट करना है मिडिल कैलकुलेट करने के लिए वही लोअर बाउंड और अपर बाउंड चाहिए अब आप देखिए में देखिए एरे आपका ट्वेंटी एलिमेंट्स हैं अपर बाउंड तो अपनी जगह है अपर बाउंड तो अपनी जगह है लोअर बाउंड चेंज हो गया है लोअर बाउंड क्या हो गया हो गया चेंज अब चेंज हो गया तो अब इसकी इंडेक्स अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करूँ कि इसकी पोजिशन क्या है यहाँ पोजीशन करने के लिए मेरे को ये ध्यान देना चाहिए कि इससे प्रीवियस वाला जो एलिमेंट वही तो आप आपका इंडेक्सिंग हो जाएगा भाई अगर सिक्सटीन आपका मिडिल है तो ये वाला नंबर क्या होगा मिडिल प्लस वन ही तो होगा फिर ये मिडिल प्लस टू हो जाएगा ये मिडिल प्लस थ्री हो जाएगा तो आप क्या कीजिए को अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आप उसको मिडिल प्लस वन का नाम दे दीजिए यही है ट्रू भी यही है अगेन तो क्या कैलकुलेट आप कैलकुलेशन तो उसके बाद में ट्वेंटी थ्री से नाइनटी वन के बीच में मेंलीमेंट फिफ्टी सिक्स निकल के आया अगेन वही फॉर्मूला लगाया फिफ्टी सिक्स निकल के आया अगेन आपने उसमें कंपेरिजन किया कि ट्वेंटी थ्री से है नहीं जी फिफ्टी सिक्स तो बड़ा है फिफ्टी सिक्स बड़ा है और आपका जो सर्चिंग एलिमेंट है वो ट्वेंटी थ्री है अब कहाँ जाना चाहिए राइट में कि लेफ्ट में जाऊँ लेफ्ट में ही जाऊंगी यानी इस इस सब एरे में जाना है अब क्योंकि ट्वेंटी थ्री तो फिफ्टी सिक्स से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा तो अब जो एरे कंसिडर करेंगे वो क्या होगा ट्वेंटी थ्री थर्टी एट ठीक है अब अगेन इसका मिडिल कैलकुलेट करिए इसका अभी देखो ट्वेंटी थ्री का इंडेक्सिंग तो पता है आप लोगों को लेकिन थर्टी एट का नहीं पता है तो थर्टी एट के लिए क्या करना पड़ेगा मिडिल माइनस वन मिडिल माइनस वन क्यों करना पड़ेगा क्योंकि अब फिफ्टी सिक्स आपका मिडिल है फिफ्टी सिक्स आपका क्या है मिडिल है और आप किधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको माइनस करना पड़ेगा मिडिल माइनस वन आपका थर्टी एट का इंडेक्सिंग होगा तो आप उसको वैल्यू को रखिए और आप फाइंड आउट करेंगे द मिडिल एलिमेंट इज ट्वेंटी थ्री अब वही आपका मैचिंग एलिमेंट है तो आपने कितने स्टेप किए कितने कंपेरिजन किए देखिए वन टू एंड थ्री इन ओनली थ्री कंपेरिजन यू अचीव योर टारगेट वैल्यू और टारगेट वैल्यू कौन सी पोजिशन पे थी सिक्स पोजीशन पे थी अगर लीनियर सर्च करती तो छह कंपेरिजन करने पड़ते लेकिन बाइनरी में मेरे को सिर्फ तीन ही कंपैरिजन करने पड़े जस्ट हाफ मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बार जस्ट हाफ होगा ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हर बार जस्ट हाफ होगा इट डिपेंड्स की आपकी कौन सी लोकेशन है ये डिपेंड करता है लोकेशन ठीक है मान लीजिए अगर आपका एलिमेंट डायरेक्ट इट फाइव होता आपको 5 सर्च करना था सपोज हमने क्वेरी कर ली <coughs> कि आपका एलिमेंट फाइव है अरे फाइव में तो फिर बाइनरी सर्च से तो बढ़िया लीनियर सर्च है, है कि नहीं है क्योंकि अगर मैं फाइव को सर्च करूं इस एरे के अंदर तो सेकंड कंपैरिजन पे ही एलिमेंट मिल जाएगा और अगर मैं 5 को कंपेयर करने के लिए बाइनरी सर्च लगाऊंगी तो मुझे कम से कम तीन या चार तीन तो कंपैरिजन करने पड़ेंगे क्योंकि पहले मैं 16 पे पहुंचूंगी 16 पे पहुंचने के बाद इसका हाफ लूंगी तो वो 8 या 5 में से आएगा फिर मुझे उसे एरे पे जाना पड़ेगा तीन कंपैरिजन होंगे सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट तो एस कंपैरिजन बाइनरी सर्च इज बेटर देन लीनियर सर्च अब देख लीजिए ये अल्गोरिथम क्या कह रहा है ये अल्गोरिथम कह रहा है कि ए एक सॉर्टेड एरे है जिसमें एन उसका साइज ऑफ़ एरे है और उसमें एक्स वो वैल्यू है जो सर्च करनी है। जैसे कि अभी हमने जो बाइनरी सर्च किया उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टेन थे और उन टेन में से आपको ट्वेंटी थ्री को सर्च करना था सेट करी लोअर बाउंड वन रखा अपर बाउंड एन रखा ये एक जनरलाइज है इसलिए हमने एन रखा है जब आप किसी पर्टिकुलर एरे के लिए काम करते हैं तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती है की वैल्यू हो जाती है और लोअर बाउंड की तो ही ही रहेगी आप कहेंगे इफ अपर बाउंड बाउंड इज लेस देन लोअर नॉट यानी कोई एरे नहीं है मिडिल पॉइंट को सेट करने के लिए कहा लोअर बाउंड देखिए ये फॉर्मूला आ गया तो आपको वर्ड मैंने कहा था कि पैनिक नहीं होना है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड बाय अगर आपको मिड पॉइंट से छोटा है तो क्या करिए मिड पॉइंट को लोअर प्लस अगर uh, आरे, आपका बड़ा है, से, तो आपको क्या करना है राइट हैंड साइड में जाना है तो आपको करना पड़ेगा और अगर मिडिल आपका एलिमेंट है तो इट्स वेल एंड गुड आपको आपकी, जो आपको एलिमेंट चाहिए था वो फाइंड आउट हो गया तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनरी सर्च सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा